नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों लेक्चर नंबर साथियों 16 में आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। साथियों साथियों 7.3 दी गई साथियों क्वेश्चन चैप्टर नंबर साथियों 7 साथियों क्लास 11 के साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। इतने क्वेश्चन में क्या कह रहा है हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर आर थ्री विद नो डिजिट रिपीटेड। साथियों कितने डिजिट नंबर साथियों फोर डिजिट है, हम पहले फॉर्मूला सुनाएंगे 1, 2, 3 साथियों और साथियों 4। साथियों हमें नंबर से नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, ऑल नंबर से ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 साथियों। 5 कौन सा नंबर हो गया साथियों, 5 हो गए हमारे 5, 6, 7, 8 और 9 साथियों। ठीक साथियों, साथियों इसमें टोटल नंबर कितने दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साथियों 9, 10 दिए गए। ठीक है साथियों, पर साथियों इसमें क्या कहा गया है आप इसको ध्यान से समझिए। हम क्या कह रहे हैं साथियों, अगर हम जीरो को यहाँ पे इसको फिल करने कितने पे साथी फर्स्ट है, ये सेकंड है साथियों, ये थर्ड दिया गया है, ये फोर्थ दिया गया है। ठीक है साथियों, साथियों फर्स्ट उसको बनने कितने वे साथियों, 9 वेज है। कैसे 9 वेज साथियों, आप कहेंगे 10 वेज है साथियों। आप दो मिनट समझिए, अगर यहाँ पे अगर हम जीरो पुट कर देंगे साथियों, अगर हम जीरो पुट कर देंगे एक्स वाई जेड साथियों, यहाँ पर क्या होगा, जीरो पुट करने पर थ्री डिजिट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट। बट साथियों अब ध्यान रखिए इस बात का, हमने क्या किया, मान लिया जीरो पे है ही नहीं, क्या नहीं है जीरो, हमने पहले क्या कि 9 पुट कर दिया साथियों, 9 को काट दिया, अब कितने डिजिट बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है साथियों, पर कितना जाएंगे 9 वेज साथियों, क्या लिख देंगे डब्ल्यू लिख देंगे 9 वेज कल के साथियों 9 वेज। ठीक है साथियों, साथियों हमने क्या लिख देंगे 9 वेज, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं आपने 8 को भी भर दिया साथियों, अब क्या बचा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब कितने वेज साथियों, 8 वेज है, कितने वेज साथियों 8 वेज साथियों, अब 8 वेज हो चुका है हमारा। अब देखते हैं अब अपने 7 को भी फिल करते हैं, अब कितने वेज बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वेज, कितने वेज साथियों 7 वेज साथियों, हम करेंगे भरेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वेज साथियों 9 वेज। ठीक है साथियों, अब सेकंड भरेंगे हम, सेकंड प्लेस क्या जाएगा साथियों, प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। ठीक है साथियों, साथियों थर्ड हम करेंगे, थर्ड में क्या जाएगा, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, कितने में साथियों 8 वेज साथियों, करेंगे फोर्थ में प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, कितने में साथियों 7 साथियों, वेज तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, साथियों अब हम क्या करेंगे, अब यूज करेंगे हम हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या कहता है साथियों, तो क्या कह रहेगा ये, मल्टीप्लाई करें 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय साथियों 8 मल्टीप्लाई बाय 7 साथियों, 9 में साथियों कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 81 साथियों, और 8 7 कितना है साथियों, 8 7 हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, कितना साथियों 56 साथियों, और साथियों क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है साथियों, मल्टीप्लाई करने पर साथियों क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं यहां पर 81 या लेकिन 56 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 साथियों क्या जाएगा 6, 8 6 10 साथियों 48, 8 6 साथियों 48 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 8 7 साथियों कितना जाएगा 40, आंसर हमारा क्या जाएगा साथियों 6 6 साथियों, यहां पर क्या जाएगा 8 8 8 और यहां पर कितना जाएगा 13 की 3 1 कैरी ओवर 4 5 3 6 कितना का साथियों हमारा आ चुका है आंसर 4 5 3 6 साथियों, साथियों यहां पर हमारा कंप्लीट होता है साथियों। साथियों अगर हम चाहें इसको हम इसको साथियों इस एक फार्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, क्या होता है फार्मूला क्या साथियों, होता है परमुटेशन साथियों, फॉर्मूला वो होता है साथियों, क्या होता है फॉर्मूला होता है NPR इक्वल साथियों होता है N factorial upon N minus R factorial साथियों। ठीक है साथियों, साथियों N क्या होता है, N हमारा होता है नंबर ऑफ डिजिट साथियों, R क्या होता है, R हमारा वो होता है जैसे कि हमें निकालनी कितनी है। ठीक है साथियों, हमें फाइंड कितनी करनी है, जैसे फिर हमें फाइंड करनी थी 4 डिजिट। ठीक है साथियों, साथियों हमारा लगता है हिस्ट्री अभी कंप्लीट होता है साथियों, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में साथियों, अगले लेक्चर में हम कुछ और नया सीखेंगे साथियों, जो हमारा लेक्चर पहली बार देख रहा हो जो प्लेलिस्ट में चेक करिए, हमने की सारी सीरीज अपलोड की है, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।